राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का पर्व हम सभी ने बहुत खुशियों के साथ मनाया। अब हम छोटे से लाला लड्डू गोपाल बाल गोपाल की छठी किस प्रकार मनाएं, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र दोबारा जीवित हो गया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी घर में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी माता की पूजा की जाती है। इस दिन छठी देवी की पूजा करने से बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य रहता है और जन्माष्टमी से ठीक 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे की छठी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से छठी वाले दिन आप कढ़ी जरूर बना लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ी और चावल बना लिए हैं। कढ़ी मेरी बन चुकी है और चावल अभी बन रहे हैं। लड्डू गोपाल को पकोड़े डालकर कढ़ी बना दीजिएगा, और लड्डू गोपाल को कढ़ी जो है पकोड़े वाली बहुत पसंद है, तो आप कढ़ी अवश्य बनाइएगा, साथ में ही चावल बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और कहीं कहीं पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और कहीं कहीं पर आटे के हलवे का भी भोग लगता है। तो भोग बना लीजिएगा, उसके बाद छोटे से लाला लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे और छठी का स्नान दोपहर के समय कराया जाता है। तो आप देखिए, लड्डू गोपाल की मालिश कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर गाय का घी ले लिया है, इससे मैं लड्डू गोपाल की मालिश करूँगी। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें देसी घी से लड्डू गोपाल की मालिश करनी है। आप चाहें तो इत्र से मालिश कर सकते हैं, आप चाहें तो बेबी ऑयल से भी मालिश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का घी लिया है तो मैं इसी से मालिश करूँगी अपने छोटे से लाला लड्डू गोपाल की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हल्के से हाथों से प्यार के साथ लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। तो मालिश करने के बाद छोटे से प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे। छठी के दिन दूध से स्नान कराया जाता है। आप इतना दूध ले लें जितना हम अपने लड्डू गोपाल को उसमें डुबा सकें। कच्चा दूध लेना है और इस तरह लड्डू गोपाल को पकड़ लेना है। तो देखिए, कोशिश करें, अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को दूध में स्नान कराने के लिए गाय का कच्चा दूध ले लिया है, हमें कच्चा दूध ही लेना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल की मालिश हो चुकी है, अब हम लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराते हैं। छठी के दिन दूध से स्नान कराया जाता है। आप इतना दूध ले लीजिएगा जितना हम अपने लड्डू गोपाल को डुबकी लगा सकें। कच्चा दूध हमें ले लेना है और इस तरह से पकड़ लेना है। 2 उंगलियां हमें सिर के पीछे लगानी है और 2 उंगलियां आगे करनी है। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी से लड्डू गोपाल को सिर से डुबो करके हम 3 डुबकियां लगवानी है। तो इस तरह से छठी पर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है और इसी को छठी का दूध कहा जाता है। तो वो दूध यही होता है। लड्डू गोपाल जी को हमने दूध से स्नान करा दिया है, इसके बाद शुद्ध जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो देखिए, जिस दूध से हमने लड्डू गोपाल को डुबकी लगवाई है, स्नान कराया है, वह दूध आप खीर बना सकते हैं उसका। तो देखिए, ये दूध जो है बहुत ही पवित्र हो जाता है, यानी प्रसाद बन जाता है। या घर में जिस तरह से दूध को यूज करते हैं आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। मैंने गाय के दूध से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल को सॉफ्ट से कपड़े से हम पोंछ लेंगे और अब हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। आप छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएं और हो सके तो लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि छठी वाले दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और मोर पंख आप जरूर लगाएं। मैंने लड्डू गोपाल की पुरानी नजरिया हैं जो उतार दी हैं, क्योंकि मैं नई नजरिया लेकर के आई हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए, और येलो कलर की मैं पोशाक पहना दूंगी। लड्डू गोपाल को सुंदर सा श्रृंगार करके उनको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हम दिया जला देंगे और इसके बाद में हम तिलक लगाएंगे। तो हमें पहले
चंदन से तिलक लगाना है, उसके बाद हम रोली से तिलक लगाएंगे और अक्षत लगा देंगे, इसके बाद इत्र लगा देंगे और हम लड्डू गोपाल जी को नजरिए पहना देंगे। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करेंगे। जिस तरह से बच्चे को नज़र नहीं लगती है, उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल को भी नज़र नहीं लगेगी। इस तरह से काले और सफ़ेद मोती के नज़रिए हम लड्डू गोपाल को पहना देंगे। छठी के दिन ही नज़रिए पहनाए जाते हैं, बच्चे की बुआ लेकर के आती और छठी के दिन ही बच्चे को काजल लगाया जाता है। तो काजल ज़रूर लगाएं लड्डू गोपाल को, बिल्कुल उसी प्रकार छठी मनाएंगे जिस प्रकार हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं। आप चाहें तो स्टिक वाला भी काजल ले सकते हैं, हमारे यहाँ काजल बनाकर ही लगाया जाता है छठी वाले दिन। तो आप कोई भी चम्मच ले लें, तो हम लड्डू गोपाल को चम्मच यूज करते हैं, वही चम्मच हम लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की चम्मच ही ले ली है। जो दिया हमने जलाया है उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इस तरह से चम्मच लगा देंगे तो काजल बन जाएगा। तो बच्चे को भी इसी प्रकार लगाया जाता है और बच्चे की माँ को भी यानी जच्चा को भी हम इसी प्रकार काजल लगाते हैं। तो इस प्रकार काजल बन जाता है और लड्डू गोपाल को आप दोनों आँखों में जब ठंडा हो जाए तो लगा दीजिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद ही आप काजल लड्डू गोपाल को लगाएं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को काजल ज़रूर लगाएं, उनके हाथों में काजल लगा देंगे, जैसे हम छोटे बच्चों के लगाते हैं ना जब तैयार करते हैं, तो हाथों में लगा दें, उनके तलवे पे लगा दें, दोनों तलवे पे लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल को काजल लगाने के बाद लड्डू गोपाल को नज़र नहीं लगेगी। तो उसके बाद में फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो छठी के दिन भोग में कढ़ी चावल बनाई जाती है, इसके साथ ही जो भी भोग आपको लगाना है आप वो भोग लगा सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, घी बूरा ले सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। तो जो भी आपको भोग लगाना है आप वो भोग लगा सकते हैं। खासकर मथुरा वृंदावन में सभी के घर लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को धूप दीप दिखाएंगे, अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो भोग लगाने के बाद में हमें लड्डू गोपाल की आरती करनी है, और जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा, क्योंकि तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे आप बेशक उनके लिए 56 भोग बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें आरती उतारनी है लड्डू गोपाल जी की। छठी के गीत गा सकते हैं या जच्चा गा सकते हैं, तो आपको जो भी भजन आते हैं आप वो गा सकते हैं। तो आपको जो भी आते हैं आप वो भजन गा करके लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं, यानी छठी मना सकते हैं। इस तरह से धूमधाम से छठी मनाते हैं, और छठी वाले दिन बच्चे के ऊपर से पैसे वारे जाते हैं यानी न्योछावर की जाती है। उसी प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल के ऊपर से पैसे वारेंगे, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितने मर्जी आए पैसे अपने लड्डू गोपाल की न्योछावर कर सकते हैं। हमें सीधे हाथ से 7 बार घुमा करके लड्डू गोपाल की न्योछावर करनी है, और वो पैसे हम लड्डू गोपाल के पास ही रख देंगे। आप इन पैसों से लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी ला सकते हैं, ड्रेस ला सकते हैं, जो मर्जी आए, आप लड्डू गोपाल के लिए ही हमें ये पैसे खर्च करने हैं। तो इस तरीके से न्योछावर के पैसों का हम लड्डू गोपाल के लिए सामान ला सकते हैं। अब इसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं। छठी के दिन लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाएं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप साड़ी से झूला बना सकते हैं, टोकरी से झूला बना सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको टोकरी से बना हुआ झूला मिल जाएगा। मात्र 5 मिनट में आप लड्डू गोपाल के लिए इस तरह से झूला तैयार कर सकते हैं। तो मैंने उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है। तो झूला आप छठी के दिन अवश्य झुलाइएगा। झूला छोटा बड़ा अच्छा बुरा मायने नहीं रखता है, बस यहाँ पर आपके भाव मायने रखते हैं। और लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे। इस वर्ष लड्डू गोपाल की छठी 2023 में 12 सितंबर दिन मंगलवार को कान्हा जी की छठी मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरह से आप अपने लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।